सख्त चेतावनी भी दी। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, इसमें सभी प्रदेशवासी सहयोग भी कर रहे हैं। आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न आए इसका ध्यान रखे। सीएम योगी ने कहा कि कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ न करे। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात को अज्ञात हमलावरों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी जब पुलिस दोनों को प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज लेकर जा रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश देते हुए 3 सदस्यीय जांच आयोग के गठन के निर्देश दिए हैं। वहीं घटना के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यूपी को हाई अलर्ट पर रखा गया है और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारी स्थिति की निगरानी के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार घटना स्थल पर 3 पिस्तौल, 1 मोटरसाइकिल, 1 वीडियो कैमरा और 1 न्यूज चैनल का लोगो पड़ा मिला है। तीनों हमलावर मीडिया कर्मी बनकर आए थे और घटना को अंजाम दिया। उन्होंने अपने गले में पहचान पत्र भी लटका रखे थे।